शुक्रवार व्रत कथा। एक बूढ़ी औरत थी और उसका एक ही बेटा था। बेटे की शादी के बाद बुढ़िया बहुत से घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन उसे सही से खाना नहीं देती थी। लड़के ने यह सब देखा, लेकिन माँ से कुछ कह नहीं पाया। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को जाने का आदेश दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ, कोई निशानी दो। इतना कहकर पति के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। इसने गोबर से लथपथ हाथों से पति के जूतों पर छाप छोड़ी। बेटे की मौत के बाद सास ससुर के अत्याचार और बढ़ गए। एक दिन बहू उदास होकर मंदिर गई। वहाँ कई महिलाएं पूजा कर रही थी। उन्होंने महिलाओं से व्रत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि यह सभी प्रकार के कष्टों का नाश करती है। महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार के दिन स्नान करके एक बर्तन में शुद्ध जल लें, गुड़ और चने का प्रसाद लें और सच्चे मन से माँ की पूजा करें। खटास भूल कर भी ना खाएं और ना ही किसी को दें। एक बार भोजन करने के बाद व्रत की रस्में सुनकर अब वह हर शुक्रवार को संयम से व्रत रखने लगी। कुछ दिनों बाद माँ की कृपा से पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद धन भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर से उपवास किया और मंदिर में जाकर अन्य महिलाओं से कहा, माता संतोषी की कृपा से हमें पति का पत्र और पैसा मिला है। अन्य सभी महिलाओं ने भी श्रद्धा के साथ उपवास करना शुरू किया। बहू ने बोली, हे माँ, जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने अपने पति को एक सपना दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाती। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिकता नहीं है, एक अभी नहीं रुपया नहीं आया है। उसने सेठ को सपने के बारे में सब कुछ बताया और घर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। माता की कृपा से अनेक व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य वस्तुएं खरीद ले गए। कर्जधारों ने भी पैसे लौटा दिए। अब साहूकार ने उन्हें घर पर जाने की इजाज़त दे दी। घर आने के बाद बेटे ने अपनी माँ और पत्नी को खूब पैसे दिए। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को आमंत्रित किया है और उद्यान की सारी तैयारी की। एक पड़ोसी महिला ने उसे खुश देखकर ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि आप भोजन के दौरान खट्टा अवश्य मांगे। उद्यापन के समय भोजन करते समय बच्चों को खटास आ गई तो बहू ने पैसे देकर उनका मनोरंजन किया। बच्चे दुकान से इमली और खट्टी मलाई खाने लगे तो माँ को बहू पर गुस्सा आ गया। राजा के दूत उसके पति को ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि बच्चों ने उद्यान से पैसे की इमली खाई है। बहू ने फिर व्रत रखने का संकल्प लिया। संकल्प के बाद जब वह मंदिर से बाहर आई तो उनके पति को रास्ते में आते देखा गया। पति ने राजा जो पैसा कमाया है उसका टैक्स मांगा था। अगले शुक्रवार को उन्होंने फिर से विधिवत उपवास किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 महीने के बाद उन्हें चंद्रमा जैसा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू और बेटे तीनों लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो ऐसे ही संतोषी माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय संतोषी माता।